ग्रीनिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 22 नवंबर बुधवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना टैरो से। देखते हैं हमें सबसे पहले कौन से ऐसे ताकतवर कार्ड्स मिलते हैं जो कि डिफाइन करते हैं क्या है उनके दिल की बातें। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड बिकॉज जनरल रीडिंग है। सो यस, बहुत सी बातें मैच भी कर सकती है, बहुत सी बातें रेजोनेट भी कर सकती है। सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिखा है वो है द हायरोफंट। ठीक है, काफी ब्यूटीफुल कार्ड। टॉरस यानी कि वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है ये। एंड अगर हम बात करते हैं तो यस, ये पर्सन फिलहाल के लिए बहुत रेडी है। एंड आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि भाई एवरीथिंग इज वेरी गुड, यू नो। एंड उसके हिसाब से भाई ये बहुत ही उतावला है रिजल्ट्स देखने के लिए। ठीक है, आज की जो सुबह है उसके लिए काफ़ी सही है। यानी कि जो भी उसने अगर ड्रीम देखा है, स्वीट ड्रीम देखा है, रोमांटिक फीलिंग है, वो रोमांटिक फीलिंग रियल लाइफ में भी उसके ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए कोशिश करता हुआ हमें व्यक्ति दिख रहा है। ठीक है, तो हर रोज़ की तरह अगर आपको मैसेज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा रोमांटिक चार्म आपको एक्स्ट्रा दिख सकता है, एक्स्ट्रा स्पाइस आप यहाँ पे देख सकते हो। कमिटमेंट जैसी वर्ड्स आप ज़्यादातर आज महसूस कर सकते हो। ठीक है, भाई इस पर्सन के हिसाब से अगर कोई इनको फोर्स करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब चीज़ें सामान्य हो, जब चीज़ें इनकी फेवर में हो तो वो खुद ही आपको वो रिजल्ट देने को तैयार होते हैं जिसको देखने के लिए आप न जाने कब से तरस रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या कार्ड मिला है, वो है द हैंग्ड मैन। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट तो देता है, बट एग्जैक्टली कहते हैं ना कि भाई कौन सा दिन, कौन सा महीना एंड यू नो कौन सी तारीख, वो बताने को रेडी नहीं रहते। तो मेरे हिसाब से इन जनरल वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, या फिर अगर हम उनके रोमांटिक फीलिंग के बारे में बात करें तो 100% उसके लिए भी रेडी रहते हैं। बट अगर आप उसे कोई डिसीजन लेने को बोलो तो उससे थोड़ा सा दो चार कदम पीछे हट जाते हैं। द हैंग मैन इनका ये नेचर दर्शाता है जहाँ पे अगर आप इनको कहते हैं कि भाई कौन सा मूवमेंट, तो शायद वो उसे बताने से कतराते हैं, या फिर एग्जैक्टली ये एक्शन कब लेंगे वो डिफाइन नहीं करते। ये एक उनकी हरकत हो सकती है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी पावरफुल कार्ड। अगर हम इसे देखते हैं तो भाई ये पर्सन कह रहा है कि उसके जीवन में काफ़ी चीज़ें सही चल रही है। इसके पहले भी जो मैंने रीडिंग किया था, मैंने वहीं पे भी कहा था कि चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो रही है। मतलब ज़िंदगी में जो चाहिए ना कि भाई सब कुछ सही, सब कुछ इन फेवर, वो सब इनके ज़िंदगी में हो रहा है। और इसीलिए यू नो ये पर्सन इतना खुश है, या फिर हर चीज़ को इतने ईजिली एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज जब सब चीज़ें हमारे फेवर में हो तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं दूसरा एक टैरो, देखते हैं वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। कहते हैं डियर टैरो से शुरुआत, एंड कहते हैं थोड़ी सी शफलिंग। ठीक है, यस, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है दी चैरियट। ठीक है, इट्स योर टाइम टू टेक चार्ज एंड मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। यस, अरे कि भाई कैंसर कर्क राशि जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई ये मेरा मौका है कि मुझे मेरे डिसीजन खुद लेने हैं, मुझे मेरा भविष्य खुद बनाना है। यानी कि अपना समय आ चुका है और अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। तो एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बिल्कुल रेडी है, जहाँ पे कोई इनको कुछ कह नहीं रहा बट उनको खुद ये फीलिंग आ रही है कि यस मेरे ज़िंदगी में अब मैं डिसीजन लूंगा और ऐसे लूंगा कि सबको काफ़ी अच्छा महसूस हो जाए। ठीक है भाई, यश कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस राशि। टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ पेशेंस एंड स्टे काम, ट्राई टू गो विद द फ्लो, फोकस टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस। ठीक है, सैजिटेरियस धनुराशि हमें यहाँ पे मिलती है, एंड जहाँ पे हम टेम्परेंस को देखते हैं हमें एक एंजेलिक फिगर दिखती है जो बैलेंस कर रही है यू नो दो कप्स, ये जनरली हम देखते हैं, बट यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है
कि बैलेंस ऑन योर इमोशंस, भाई आप क्या चाहते हो, साथ में ये क्या चाहते हैं, दोनों चीज़ों का बैलेंस ये बना रहे हैं। काफ़ी दिनों से अगर आप इनको कुछ कहना चाह रहे थे या फिर आपको कहना था कि भाई अगर हम ये मिलके करें या फिर अगर हम कमिटमेंट दें या फिर ये चेंजेस करें या फिर ये कुछ ट्राई करें, तो ये पर्सन अब उसके लिए रेडी है। ठीक है, कई बार ना आप दोनों मिलके कुछ डिसीजन लेते हैं या फिर कहते हैं कि भाई फाइनली हम फैमिली को मिलने जा रहे हैं, फाइनली फैमिली से बात करने जा रहे हैं या फिर एक डिसीजन हमारा होने जा रहा है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है। कई बार कुछ लोग इस बात तक पहुँचने में भी बहुत समय लेते हैं, उनके हिसाब से चीज़ें टर्न लेने में बहुत ज़्यादा समय लेती है या फिर इतने ईजिली हम उनको दर्शाते नहीं। यहाँ भी उल्टा हो रहा है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती जा रही है। ठीक है, तो एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड आप दोनों के हिसाब से, दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है भाई टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई यहाँ पे इस पर्सन को अब मोर अटेंशन, मतलब ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे बैलेंस के लिए एंड सही समय, राइट टाइमिंग के लिए। वही चीज हो रही है, अगर उस पर्सन ने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, ज़्यादा अगर अपने काम में फंसे हुए थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब उल्टा हो रहा है, समय मिल रहा है और खुद ब खुद ये एहसास हो रहा है कि अब मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, जो एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। इसलिए मैंने कहा अगर आप इसको कहोगे तो इस पर्सन को इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब खुद ही एहसास होता है कि मुझे अब ये चीज़ करने की काफ़ी ज़रूरत है, तो डायरेक्टली ये चीज़ करके ही दब लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है स्टार, गाइडिंग लाइट इन द डार्क विच विल हेल्प टू लीड यू टू अ पीस प्लेस ऑफ बैलेंस। ठीक है, यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि, इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि एक दिशा उनको मिल रही है, एक रोशनी उनको मिल रही है कि भाई अब मुझे वो एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो ये वर्ड काफ़ी बार आ रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इस रीडिंग में भी आ रहा है, उसके पहले भी जो रीडिंग था उसमें भी आ रहा था, मैंने कि एक सही मौका, एक सही चुनाव। हम कहते हैं ना कि भाई हर व्यक्ति अपना चुनाव खुद करता है कि मेरी चॉइस क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, तो एक डिवाइन टाइमिंग हमें यहाँ पे काफ़ी नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। किसी किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग जो है वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है, आप उसे क्लेम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, ज़्यादा आप असर्टिव बन सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आ रहा है, बार बार इसे रिपीट कर सकते हैं अफर्मेशन के तौर पे। नेक्स्ट कार्ड मिल गया वो है द एम्प्रेस, अ वाइज डिवाइन फेमिनिन हु इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड ये उनको महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए एक सही साथी हो, आप एक ऐसा पर्सन हो जिनकी उनको तलाश थी और फाइनली इनको आप मिल चुके हो, क्योंकि आप इनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, एंड काफ़ी बार वेट भी करते हो, तो हाँ थोड़ा सा ये भी होता है कि आप पहले भी तो बोल सकते थे, बट इस बार वो काफ़ी खुश है कि आपने इनको समय दिया, मौका दिया, ताकि ये अपने आप से भी थोड़ी चीज़ें समझ पाए कि भाई अगर मैं समय लेता हूँ तो क्या ये सही बात है, या फिर मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा डीले हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड शुरुआत करते हैं यहाँ से। यस, पहला जो कार्ड मिल गया है वो है सेपरेशन। तो आई थिंक ये पर्सन और आप दोनों ही शायद इस मोमेंट से गुजर चुके हैं। सेपरेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितना दर्दनाक होता है, उसमें हमारा सपोर्ट कौन करता है, कौन नहीं करता, तो ये एक मोमेंट है जिससे ये पर्सन उभर चुका है और इसीलिए ये इतना उतावला है एक सही डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई ओवरली सेंसिटिव। आई थिंक इस चीज़ के कारण या फिर इससे उभरने के कारण इस पर्सन में ओवरली सेंसिटिव नेचर तैयार हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन चुके हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अब ये कई बार सोचते हैं उसका अंजाम क्या होगा, आपके ऊपर कैसा होगा, इनके ऊपर कैसा होगा, ये खुद क्या महसूस करेंगे, अब इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा सजग हो चुके हैं। ठीक है, तो जो कार्ड मिल गया है वो है सेल्फ लव। ये एक अच्छी चीज़ उनमें डेवलप हो चुकी है,
पहले शायद इतना सेल्फ लव नहीं था, मतलब जो भी चीज़ करते थे कि भाई ऐसे करनी तो बस करनी है, दैट्स इट। बट अब दिल लगा के करते हैं, जान लगा के करते हैं, तो इनको लगता है कि भाई चलो, मतलब अगर मैं खुद से ज़्यादा इनपुट दूँ तो चीज़ें और बेहतरीन हो जाएंगी। सेल्फ लव आ गया है ताकि चीज़ों की अहमियत भी समझने लगे हैं। प्यार क्या होता है, यू नो, जब कोई कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, ये भी वो जानने लगे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, एंड ये है अ ड्रीमर। दैट इज द थिंग जो उनके साथ हो रही है कि भाई ये अब सपना देख रहे हैं एंड सोच रहे कि भाई मेरी जिंदगी में अब वो सब चीज़ें असलियत में आ जाएंगी जो मैंने कभी सोची थी। ठीक है, मतलब अगर आपने भी अगर ये कहा था कि भाई इनसे मिलना, इनसे जुड़ना आपके लिए ख्वाब से कम नहीं, तो इस बात की सच्चाई वो बिल्कुल समझ रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड है विशफुल थिंकिंग। ठीक है, अब सोच समझ के बात कर रहे हैं, सोच समझ के बोल रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स हमारी हर बात को सुनती रहती है ना। काफ़ी लोग आपको उसे मिलते हैं जो पता नहीं कुछ भी उत्पटांग सी बातें कहते हैं, और जब वो सच होता है तो कहते हैं कि भैया यार मैंने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बिल्कुल वही चीज़ इनको भी महसूस हो रही है कि भाई मुझे क्या कहने की ज़रूरत है, क्यों कहने की ज़रूरत है, मैं क्या कह रहा हूँ या क्या नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमें इनमें इतने सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती जा रही है। अगर आप इनको थोड़ा समय दें तो खुद ब खुद ये डेवलप होते हुए हमें नजर आएंगे। सो इतना भी क्या रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।